ओम शांति। 28 अक्टूबर के श्रोता में आप सबका स्वागत है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म में आने के बाद में कुछ प्राप्तियाँ होती हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, जो कि हमें बाहरी दुनिया चीज़ों से व्यक्तियों से वैभवों से नहीं मिलती है। जब हमें परमात्मा से ध्यान लगाने में, योग लगाने में, उनकी याद में रहने में जो हमें मिलती है, तो जो प्राप्तियाँ होती हैं उससे हमें ताकत मिलती है कि हम जो माया है, जो कि दुनियावी अट्रैक्शन है, उससे हम लड़ करके जीत पाएँ। तो परमात्मा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भवा। जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। साथी, अगर हम किसी व्यक्ति को साथी बनाते हैं अपने जीवन में और हम कहते हैं कि इसकी वजह से मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि लास्ट में जब सारे साथी संबंधी फेल हो जाते हैं, तो सिर्फ एक ही याद आता है, एक ही सारा काम करता है, वो है परमपिता परमात्मा। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है कि मुझे इतनी प्राप्ति है, मुझे परमात्मा से सुख मिला, मुझे परमात्मा से प्रेम मिला, मुझे किसी और इंसान के प्रेम से क्या करना, मुझे किसी और चीज़ों के सुख से क्या करना, मेरे में जितना है मैं संतुष्ट हूँ उसमें, मुझे हर चीज़ सेवा में लगानी है। तो परमात्मा कहते हैं उनको हर कदम में बधाइयाँ मिलती हैं। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं, जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया। ये अगर सोच अगर हमारी बन जाए, तो आज हम झगड़ा करना, मेरा तेरा में पढ़ना, कमी महसूस करना, असंतुष्टता महसूस करना, इसमें हम नहीं जाएंगे। परमात्मा मिल गया तो सारे खजाने मिल गए। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो, ये कब मिलेगा? जब हमें दुनियावी चीज़ों की इच्छाओं से कम इच्छा हो और परमात्मा से जुड़ने की ज़्यादा इच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती हैं कि भाई जुड़ना है तो जुड़ना कैसे है, हम तो भक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी, हम तो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर सुख शांति आनंद खुशी नहीं मिलती है हमेशा के लिए, हर सेकेंड में उनसे कनेक्शन महसूस नहीं होता है हर समय, इसका मतलब हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है। तो क्यों ना हम ज्ञान भी ले लें भक्ति के साथ में। तो ये सब कुछ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि ज्ञान क्या है भक्ति के साथ में, ओम शांति के साथ।